गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रामर एजुकेशन। तो आज मैं फिर आ गया हूँ एक नया टॉपिक लेकर। जो टॉपिक है वो है वॉइस। तो हमारी जो वॉइस होती है वो होती है टू टाइप की। तो उसमें से जो दो टाइप की होती है, एक होती है एक्टिव वॉइस एंड एक होती है पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन हम देखते हैं। इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट अपीयर्स टू बी डूइंग द एक्शन। मीन्स एक्टिव वॉइस जो है उसमें सब्जेक्ट खुद अपने कार्य को खुद अपने आप ही करता है, किसी सर्वेंट से नहीं करवाता या किसी से भी नहीं करवाता है, अपने आप खुद करता है वो काम। तो वो हो जाता है एक्टिव वॉइस। किसी भी वाक्य में अगर करता उस काम को करता सब्जेक्ट ही है तो वो एक्टिव वॉइस है। दूसरा है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या होता है, इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट अपीयर्स टू बी रिसीविंग द एक्शन। यानी कि उस कार्य को करवाया जाता है, यानी कि सब्जेक्ट के ऊपर ही किया जाता है वो कार्य। हम एग्जांपल की मदद से आपको और अच्छी तरीके से समझा पाएंगे। तो चलिए चलते हैं एग्जांपल पे। पहले देखते हैं एग्जांपल ऑफ एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का एग्जांपल, जैसे तुम या आप अंग्रेजी सीखते हो, यानी कि तुम खुद नहीं कर रहे हो, तुम खुद कर रहे हो, यानी कि तुम अंग्रेजी खुद सीख रहे हो। यू लर्न इंग्लिश, ये हो गया एक्टिव वॉइस। मैं एक आम खाता हूँ। खा कौन रहा है? आम। तो वर्ब को सब्जेक्ट खुद कर रहा है, यानी कि आई ईट ए मैंगो। तो इसमें ये एक्टिव वॉइस हो गया। एग्जांपल ऑफ पैसिव वॉइस अब देखते हैं। तुम्हें अंग्रेजी सिखाई जाती है, यानी कि तुम्हें सिखाई जाती है। तो ये हो गया पैसिव वॉइस। यू आर टाउच इंग्लिश, आम खाया जाता है। आम खाया जाता है, आम को क्या होता है, खाया जाता है, लेकिन आम खुद को थोड़ी खा रहा है, आम को खाया जाता है, यानी कि रिसीव कर रहा है एक्शन को सब्जेक्ट। तो ये हो गया पैसिव वॉइस। ए मैंगो इज ईटन, ए मैंगो इज ईटन, यानी कि आम खाया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ आ गया होगा। तो ऐसे ही देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।